13 जुलाई 2022 ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਦਨ 13 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੋ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 47 ਸਵਾਲ 47 ਕੁਐਸਚਨ ਜੇਕਰ ਲਾਏ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਏ एक भी सवाल इन्होंने नहीं लाया सो इस गल करके अपना मूल कौन दे लई अपनी नकामी छुपाउण दे लई इस तरह ड्रामेबाजी कर रहे हैं। 2.5 महीने के समय दौरान ये सत्कारयोग सज्जणा ने एक भी सवाल नहीं लाया। आ बाजवा साहब खड़े रहे जदों बीएसई कमेटी की मीटिंग सी उस मीटिंग के दौरान गरीब लोगों की गल जेकर 28 तो सरबजीत कौर माणुके ने 28 जेकर 28 कलवंत सिंह पटौरी ने 28 कि साढ़े बच्चों का स्कॉलरशिप इन्होंने खादा इन्हों की सरकार समय खादा गया अकाली दल की गौरमेंट समय खादा गया सो उस समय दौरान साढ़े बच्चों डिग्रियां रुकिया पंजा ने दूजा पंजाब की विधानसभा गुरलाल सिंह कनौर जी ने दविंदरजीत सिंह लाडी जी ने गुरप्रीत सिंह बणावाली जी ने वड्डे मामले पंजाब की खेडा से चर्चा करने के लिए पंजाब राज पराली से चर्चा करने पराली किवें सड़न तो रोकना गा यह चर्चा वड्डे विषयों से चर्चा करने तो अज यह सत्कारयोग सज्जण तां पज रहे हैं क्योंकि 2.5 महीनों दौरान इस सदन के अंदर इन्हां 18 सत्कारयोग सज्जणा ने एक भी सवाल सिंगल सवाल पंजाब की विधानसभा के अंदर पेश नहीं किया एक भी मुद्दा पंजाब का इन्होंने लोगों ने नहीं उठाया सो इस गल करके अज इन्होंने ड्रामेबाजी कर रहे हैं। स्पीकर साहब ये लोग कौन है जदों स्पीकर साहब पंजाब की 34% पापूलेशन दलतों की आ पंजाब के गरीब बच्चों की आ उन्हां दी पढ़ाई का मुद्दे से चर्चा कर दी उन्हां दे स्कॉलरशिप पर चर्चा कर दी इन्हां दे सबका एक मंत्री जेल चो जिहड़े बाहर आए ने हुणे जिन्हां ने पंजाब के बच्चों का वजीफा खाधा जिन्हां ने पंजाब के बच्चों का गरीब बच्चों का स्कॉलरशिप खाधा उन्हें चर्चा कर दी डिग्रिया चर्चा कर दी पंजाब के किसानों पराली किवें सड़न तो रोकीए किवें सिस्टम चो बाहर कढ़ीए चर्चा कर दी पंजाब के बच्चों नशियां तो बचाने के लिए जिहड़ियां खेडां वतन पंजाब दियां मानयोग सीएम साहब ने सरदार भगवंत सिंह मान ने शुरू कीतियां नेगियां उन्हां ते चर्चा करनियां पंजाब दे बच्चों नूं ओलंपिक तक किवें लैके जाणा गा पंजाब दे बच्चों का नाम इंटरनेशनल लैवल तक किवें लैके जाणा गा इन्हां कोले कोई मुद्दा है नहीं सो इस गल करके इह सच गल भज रहे नेगे। मैं फिर इस सदन का ध्यान स्पीकर साहब दिवाउणा चाहुंदा कि 47 सवाल 47 क्वेश्चन जेकर लाए ता साडे सत्कारयोग एमएलए साहिबान ने लाए इन्होंने की लाया। मैं बाजवा साहब नूं पुछना चाहुंदा एक भी सवाल लाया कोई रेजोल्यूशन लैके आए तुहानूं पता सीगा इधर अक चक पा के गल करो लाया सवाल लाया रेजोल्यूशन ना रेजोल्यूशन लाया ना सवाल लाया हुण चोर मचाए शोर वाली गल जिहड़ी कर रहे नेगे सो इह चोरां दे राखे ने सर इह चोरां दे राखे नेगे इन्हां दे 90% बंदे जेलों च बंद रहेगे इन्हां दे मंत्री बंद रहे सबका इन्हां दे एमएलए बंद रहेगे सो इन्हां नूं प्रोटेक्शन करन दे लई इस तरह की जिहड़ी आ शोशेबाजी इस विधानसभा के पवित्र सदन के अंदर हो रही है। बिल्कुल स्पीकर साहब तुसीं दुरुस्त फरमाया पंजाब के लोगों ने 117 एमएलए अपने इसे लिए भेजे सीगे कि अपने हल्के की गल करो पंजाब की गल करो उन्हां मुद्दों का हल करो ये सत्कारयोग सज्जणा ने ना तो अपने 18 हल्कों का कोई सवाल लाया 18 हल्कों तो जित के आए नेगे साडी सत्कारयोग आपोजिशन आ 18 हल्कों तो जित के आए नेगे वड्डे तजर्बेकार भी नेगे कई पार्लीमेंट च रहे ने खासे रूल आउंदे नेगे बड़े कानून आउंदे ने इन्हां नूं पर लेकिन ये बुरी तरह फेल हो गए इन्हां 18 ने अपने विधानसभावां दे उन्हां 18 विधानसभा का एक भी मुद्दा इस पवित्र विधानसभा के सदन के अंदर पेश कर नहीं किया है सो इतों पता लगता कि किन्नी तरह फेल होए नेगे इधर आके इन्हां च दम नहीं है। आओ लीडर ऑफ द आपोजिशन आओ इधर सामने बैठ के अक चक पा के गल करो आओ पराली के मुद्दे से गल करो आओ पंजाब के खेडों से गल करो आओ भ्रिष्टाचार से आओ गल करो तुम भज रहे होगे ये सबूत आ कि तुम खुद भ्रिष्टाचारी हो तुम खुद फेल होयोगे
ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ।